हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स ये आईटीआई का अपडेट आया हुआ है और ये आज का अपडेट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें और उसे पूरा एंड तक वॉच करें, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक कर रहे हैं, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि आपको इस चैनल पर आईटीआई की पल-पल की अपडेट्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें आपका दिया गया है आईटीआई दूसरे राज्यों के छात्रों का ब्यौरा देना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स ये पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का ये न्यूज़पेपर है और आपका इसमें दिया गया है बिहार के आईटीआई में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्रों पर सरकार की विशेष नज़र है। दूसरे राज्यों के छात्रों का नामांकन लेने से पहले आईटीआई चलाने वाले संस्थानों को बताना होगा कि वे इन छात्रों को कहाँ और कैसे रखकर पढ़ाएंगे। सरकार की कोशिश है कि डिग्री बांटने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। श्रम संसाधन को जानकारी मिली है कि प्राइवेट आईटीआई में धड़ल्ले से दूसरे राज्यों के छात्रों का भी नामांकन लिया जा रहा है। विभागीय जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है, जबकि मेडिकल या इंजीनियरिंग को छोड़कर शायद ही कोई बिहार में आईटीआई की ट्रेनिंग लेने बिहार आए हैं। अगर कोई आ रहा है तो मतलब उसकी मंशा ट्रेनिंग लेने के बदले आईटीआई की केवल डिग्री लेने की है। विभाग का मानना है कि प्राइवेट आईटीआई चलाने वाले इस खेल में शामिल रहते हैं, ऐसे छात्रों से उनकी मोटी रकम भी वसूली की जाती है। इस खेल में रोकने के लिए भी विभाग ने तय किया है कि जब दूसरे राज्यों के छात्रों का नामांकन लिया जाए तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। मसलन नामांकन लेने वाले छात्रों की पढ़ाई कैसी होगी, परीक्षा प्रणाली को भी तकनीक से जोड़ा जाएगा ताकि कोई गलत छात्र का हाल टिकट लेकर परीक्षा न दे। और फ्रेंड्स, आप लोग इसमें देख पा रहे हैं इसमें दिया गया है बिहार में 1100 से अधिक प्राइवेट आईटीआई चल रहे हैं। बीते वर्ष में एक आकलन में पाया गया था कि इसमें आधे से अधिक के पास सभी संसाधन नहीं है। इसमें लगभग एक तिहाई ऐसे आईटीआई हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। किसी ने टीन की छत बनाकर आईटीआई खोल दिया है तो किसी ने सही पता नहीं दिया है। कोई मुफ्त में नाम पर मनमाना पैसा ले रहा है तो कोई एक ही साल में 2 साल की डिग्री दे रहा है और उससे मोटी रकम की वसूली की जा रही है। विभाग चरणवार तरीके से ऐसे आईटीआई पर नकेल कस रहा है। लगभग 15 आईटीआई की मान्यता रद्द करने की बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार में आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप लोग अदर स्टेट से जाकर बिहार में आईटीआई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग आईटीआई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, बिहार में 1100 से अधिक आईटीआई कॉलेज है प्राइवेट, वहाँ पे फ्रेंड्स कुछ साधन उपलब्ध नहीं है, बट वो लोग आईटीआई खोल दिए हैं। वहाँ पे उनके छत नहीं है, यानी आप लोग वहाँ पे देखे होंगे पत्रा रखे हुए हैं और आईटीआई खोल दिए हैं, तो ये सब इन सभी आईटीआई का मान्यता जो है वो रद्द करने की बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक लाइक शेयर कमेंट सब कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।